नमस्ते दोस्तों, फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का विषय जो है वो है जो पीढ़ी का 4000 मॉडल आता है, डायनाटिक पीढ़ी 4000। हालांकि उसमें जो पीढ़ी 4000 है उसे अब बंद कर दिया है, और उसमें जो MK2 सीरीज़ आया है उस पर हम बात करने वाले हैं, और उसके साथ कंपेयर करेंगे इनेक्सॉडियो प्रोटॉन का 4000। उन्होंने भी 4000 बंद करके 4000 MK2 सीरीज़ लाया है मार्केट में, लेकिन उनका अभी भी 4000 मिलता है। लेकिन अब उन्होंने साइट पर और कैटलॉग में दोनों जगह रेगुलर 4000 बंद होने की बात अनाउंस कर दी है। ज़्यादातर MK2 मॉडल्स जिन कंपनियों के मार्केट में आए हैं उनमें LCD डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन डायनाटिक के स्पीडी सीरीज का जो MK2 है उसमें LCD डिस्प्ले नहीं है। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर इनेक्सॉडियो प्रोटॉन का RX 4000 MK2, और जो ये दूसरी इमेज है ये डायनाटिक का PD 4000 MK2। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले देखते हैं कि दोनों में हमें सेम चीज़ें कौन सी मिल रही है, यानी कॉमन पॉइंट्स हम पहले देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ऐसे ही वीडियोस में हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। अब कॉमन पॉइंट्स की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहली बात है कि ये दोनों ब्रांड, यानी इनेक्सॉडियो हो और डायनाटिक हो, वो इंडिया में अच्छे खासे पॉपुलर ब्रांड है, और पॉपुलैरिटी उनके बजट के कारण भी है। ये बजट फ्रेंडली ब्रांड्स है और इनका जो लाइफ है एम्पलीफायर्स का वो भी काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात ये है कि ये दोनों एम्पलीफायर 2 ओम तक लोड सपोर्ट करते हैं, यानी हम बिना किसी झंझट के एक चैनल पर 4 और दूसरे पर 4 स्पीकर लगा सकते हैं कोई सीरीज पैरेलल करे बिना। हाँ, लेकिन हमें वो स्पीकर का वैटेज और एम्पलीफायर का आउटपुट वैटेज मैच करना होगा 2 ओम पर का। तीसरी कॉमन बात यह है कि दोनों एम्पलीफायर पर हमें इनपुट सेंसिटिव सिलेक्टर बटन मिलेगा। अगली बात जो कॉमन है 4 नंबर पर वो ये है कि इन दोनों एम्पलीफायर में हमें पैरेलल, ब्रिज मोड और स्टेरियो मोड, यानी तीनों ऑपरेट मोड मिलते हैं, तो हम जिस मोड में चाहे उस मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। 5 नंबर पर बात है कि इन दोनों एम्पलीफायर में हमें इनबिल्ट क्रॉसओवर मिलेगा, जिससे हम हाई पास, लो पास इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर कौन सी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमें प्रॉपर देखना है कि इन दोनों एम्पलीफायर्स में फ़र्क क्या है। तो ऐसे 10 बातें जो इन दोनों एम्पलीफायर में फ़र्क है वो हम देखेंगे, और उसके बाद आप खुद ही तय कर पाएंगे कौन सा बेटर है और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, कि RX 4000 में हमें LCD डिस्प्ले मिलता है जो कि PD 4000 में नहीं है। 2 नंबर पर है कूलिंग फैंस की संख्या, यानी RX सीरीज में हमें 4 कूलिंग फैन मिलते हैं, तो वही जब PD 4000 की बात है तो उसमें हमें रेगुलर हमेशा की तरह 2 ही कूलिंग फैन मिलते हैं। 3 नंबर पर बात है कि क्रॉसओवर जो है इस एम्पलीफायर में, दोनों में है हालांकि, लेकिन जो RX 4000 में इस तरह से कि आप बोथ चैनल, यानी हर चैनल के लिए अलग सेट कर सकते हो। एक चैनल पर आप लो पास लगा सकते हो तो दूसरे पे हाई पास लगा सकते हो, या बाईपास लगा सकते हो आपको डायरेक्टली चलाना हो तो। मैं समझता हूँ कि ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है जो हर एम्पलीफायर में होना चाहिए। इसके बाद अगली जो बात है कि डैम्पिंग फैक्टर कितना है। तो RX 4000 का डैम्पिंग फैक्टर 400 है, और उससे कंपेयर करें PD 4000 का तो काफ़ी ज़्यादा, यानी RX 4000 से दुगने से भी ज़्यादा है, 900। आगे देखते हैं 5 नंबर पर कि ये एम्पलीफायर्स कौन से क्लास के हैं। तो RX सीरीज एम्पलीफायर जो 4000 है वो AB क्लास का है, और PD 4000 H क्लास का है, यानी यहाँ पर भी
PD4000 आगे है। अब बात करते हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण कि है ये हमें आउटपुट कितना देता है। तो 2 ओम पर हमें RX4000 आउटपुट देता है 1550 वाट का, यानी एक चैनल पर 1550 और दूसरे पर 1550। उसी तरह PD4000 हमें देता है 1800 वाट। अब अगली जो बात है 7 नंबर पर, वो है 4 ओम पर आउटपुट। 4 ओम पर आउट हमें RX4000 में 1150 वाट का मिलता है, वहीं PD4000 में हमें 1200 वाट का आउटपुट मिलता है। 8 नंबर पर बात करते हैं कि आउटपुट जो हमें 8 ओम पर मिलता है वो कितना है। तो यहाँ पर RX4000 हमें देता है 700 वाट, तो 8 ओम पर PD4000 हमें देता है 900 वाट। अगली बात है कि कभी अगर आपको बड़े स्पीकर चलाने की ज़रूरत पड़े तो हम एम्पलीफायर को ब्रिज मोड पर लगा देते हैं, तो ब्रिज मोड पर 4 ओम पर हमें कितना आउटपुट मिलेगा इन एम्पलीफायर्स पे। तो RX4000 पे हमें 2800 वाट मिलेगा और जो PD4000 है उस पर हमें 3600 आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर भी PD काफ़ी आगे है और PD एच क्लास एम्पलीफायर है, तो हम 1500 से लेकर 1800 वाट तक के 2 स्पीकर PD4000 पर बेच के चला सकते हैं। लेकिन RX4000 हो सकता है कि बेच के स्पीकर चलाने पर 1300 या 1400 वाट के थोड़ा बहुत हीट हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि वो एच क्लास एम्पलीफायर नहीं है। लास्ट में बात करते हैं वेट की। वेट में RX4000 28 kg है अप्रॉक्स। वहीं अगर हम PD की बात करते हैं तो PD4000 10 किलो ज़्यादा है, ये 38 kg है। तो हमने देखा कि दोनों एम्पलीफायर में LCD डिस्प्ले और पर चैनल क्रॉसओवर और एक्स्ट्रा 2 कूलिंग फैन, ये 3 चीज़ें RX4000 में हमें एडवांस मिलती है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखें कि PD4000 की, तो बाकी हर मामले में PD आगे है, यानी क्लास एच क्लास है और वेटेज में हर जगह आगे है। और मैं समझता हूँ कि PD4000 का जो MK2 सीरीज़ है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी ग्लॉसी और दिखने में अच्छा है। तो यहाँ पर आपकी जो ज़रूरत है वो डिपेंड करती है कि आपको कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए। हालांकि दोनों अच्छे एम्पलीफायर हैं, लेकिन आपके स्पीकर आपको कितने वैट के चलाने हैं उस पर ये डिपेंड रहेगा कि आपको कौन सा चॉइस करना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर ऐसा कोई कंपैरिजन का वीडियो या कोई एक वीडियो किसी एम्पलीफायर मिक्सर पर चाहिए तो उसे कमेंट करें। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो वो भी कमेंट करें।